बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। रोज़ाना वाक़यात सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाहु अन्हु की वालदा हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाहु अन्हा अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु की बड़ी साहबजादी थीं। ये 2 हिजरी में मदीना में पैदा हुए। खिलाफत उस्मानी में त्राबलस लीबिया उन्हीं की कोशिशों से फ़तह हुआ। उन्होंने यजीद बिन मुआविया की बैत नहीं की थी और उसकी ज़िंदगी ही में अहले हजाज ने अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाहु अन्हु के हाथ पर खिलाफत की बैत कर ली, जो 64 हिजरी में यजीद की वफात के बाद इराक़ और मिस्र वगैरह में भी तस्लीम कर ली गई। इस दौरान में मरवान बिन हुकम ने शाम में अपनी खिलाफत का ऐलान कर दिया और जल्द ही मिस्र पर भी उसका तसल्लुत कायम हो गया। रमज़ान 65 हिजरी में मरवान की अचानक रहलत पर उसका बेटा अब्दुल मलक दमिश्क में खलीफा बना। 71 हिजरी में अब्दुल मलक ने इराक पर चढ़ाई की और जंग में वाली इराक हजरत मासब बिन जुबैर और उनका बेटा मारे गए। उसी साल अब्दुल मलक के सिपा सलार हजाज बिन यूसुफ ने मक्का का मुहासरा करके संगबारी की। हजरत इब्ने जुबैर रजी अल्लाहु अन्हु के 10,000 साथी हजाज से मिल गए और वह तन तनहा लड़ते लड़ते शहीद हो गए। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाहु अन्हु का बयान करते हैं कि एक अंसारी ने हर्रा के इलाके में वाक़े पानी के नाले के सिलसिले में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाहु अन्हु के बारे में शिकायत की। मदीने के लोग उस नाले से खजूर के दरख्तों को सैराब किया करते थे। अंसारी हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाहु अन्हु से कहता था, पानी को आगे मेरे खेत में जाने दें। हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने उसकी बात मानने से इनकार करते थे। दोनों का मुकदमा जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाहु अन्हु से फरमाया, ज़ुबैर अपना बाग सैराब कर लो, फिर अपने पड़ोसी के लिए पानी छोड़ दो ताकि वो भी अपनी खेती सैराब कर ले। इस पर अंसारी को गुस्सा आ गया और वह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगा, चूँकि ज़ुबैर आपकी फूफी के लड़के हैं इसलिए इनके हक़ में फ़ैसला हो रहा है। अंसारी की बात सुनकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे का रंग बदल गया और आपने फरमाया, ज़ुबैर अपना बाग सैराब कर लो, फिर पानी को रोके रखो यहाँ तक कि वह मंडेरों तक चढ़ जाए और इसके बाद पानी छोड़ दो। दरअसल रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले इखलाकी फ़ैसला सुनाते हुए अंसारी के खेत में पानी छोड़ने के लिए हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाहु अन्हु से कहा था, मगर जब अंसारी ने इस इखलाकी फ़ैसले पर नाराज़गी का इजहार किया तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कानूनी फ़ैसला सादिर फरमाया, क्योंकि इस्लामी नुक्ते नज़र से कुएँ या नहर के करीब के खेत वाले का हक़ बनता है कि वो पहले अपनी खेती सैराब करे फिर अपने पड़ोसी के लिए पानी छोड़े। हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाहु अन्हु कहा करते थे, अल्लाह की कसम, मैं समझता हूँ कि मस्कूरा आयत इसी सिलसिले में नाजिल हुई है। सो कसम है तेरे परवरदिगार की, ये मोमन नहीं हो सकते जब तक कि आपस के इख्तलाफ में आपको हाकिम ना मान लें। फिर जो फैसले आप इनमें कर दें उनसे अपने दिल में किसी तरह की तंगी और ना खुशी ना पाएं और फरमा बरदारी के साथ कबूल करें। मज़ीद ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।